तो गाइस यार अभी शिनचैन और मैं जा रहे हैं यार एवेंजर्स हाउस। अब ये गाड़ी वाले ढंग से चला रहे ना, क्योंकि यार आज हम जाने वाले हैं एक पिकनिक पे। अभी मुझे लगता है एवेंजर्स अंदर ही, क्योंकि यार यहाँ पे गाड़ी सारी सारी खड़ी है। अभी फटाफट चलते हैं एवेंजर्स के साथ पिकनिक पे, जाएंगे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अभी ये क्या हो गया, अबे ये क्या हो रहा है, एवेंजर्स आप पे आग कैसे लग रही है, अबे ये एवेंजर्स हाउस जल कैसे रहा है, अबे ये क्या हो गया शिनचैन, एरी फेंकी में मुझे क्या पता है, एरी जल्दी से आयरन मैन भैया को बुलाओ, अबे वो तो अंदर ही होगा ना, अरे टोनी, अरे आयरन मैन बाहर आओ, अरे मुझे लगता नहीं अंदर ही, एक सेकंड में उसको फटाफट से फोन करता हूँ, हेलो, अरे आयरन मैन, अबे तुम्हारे घर पे भाई आग कैसे लग रही है, अरे क्या आग, अरे क्या मजाक कर रहे यार, फटाफट से पिकनिक पे आ जाओ यार, हम तो आ भी चुके हैं। क्या तुम पहुंच चुके हो, अबे पागलो देख तो लिया करो, तुम्हारे पूरे के पूरे एवेंजर्स हाउस पे आग लग गई है। अरे क्या सही में, अब क्या करें, अरे मेरे को क्या पता, अरे तुम फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, मैं तुमको लोकेशन भेज रहा हूँ, फिर देखते क्या करना है। अच्छा ठीक है मुझे लोकेशन भेज, मैं आता हूँ। तो गाइस यार अभी मुझे आयरन मैन ने बोला है जहाँ पे यार वो पिकनिक मनाने गए थे वहाँ पे आने के लिए, मतलब अब पिकनिक तो अपनी खराब हो चुकी है, पता नहीं कैसे एवेंजर्स हाउस में पूरी पूरी आग लग चुकी है। फटाफट चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे सारे सारे एवेंजर्स हैं। देखो मैं आगे, अरे हाँ गाइस यार यहाँ पे हम पिकनिक मनाने वाले थे नदी के किनारे पर, अभी पिकनिक की ऐसी तैसी होगी। अरे आयरन मैन अब क्या करना जल्दी बता। अरे एवेंजर्स हाउस के सारे सिस्टम क्रैश हो चुके, चार्विस भी क्रैश हो चुका है, मेरा सूट भी नहीं चल रहा, मैं क्या करूं। अरे मुझे क्या पता तू क्या करेगा, तू खुद सोचना। अरे यार मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना पूरा का पूरा एवेंजर्स हाउस जल जाएगा। अरे ये क्या पीछे क्या है, अबे क्या है पीछे, पीछे तो कुछ नहीं है। ओ भाई साहब ये क्या है, गाइस यार ये क्या चीज आ गई यहाँ पे इतनी ज्यादा बड़ी, और ये तो कोई वेनम लग रहा है पर ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। अरे हल्क भाई मुझे तो बचा ले, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। अरे ये क्या चीज है, सारे के सारे एवेंजर्स सुन लो मेरी बात, आज से लॉस सैंटोस पे मेरा राज चलेगा, तुम्हारा एवेंजर्स हाउस तो उड़ा दिया, अब तुम सबको भी उड़ा दूंगा। अरे हल्क को ऐसे कैसे उड़ाएगा, हल्क तुझे नहीं छोड़ेगा। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कोई विजन बापू को बुलाओ। हल्क के होते हुए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, हल्क किसे नहीं छोड़ेगा, हार रहा हूं मैं। बहुत बड़ी हल्क तू कर सकता है, मार दे साले की चटनी बना दे। साले काले बैंगन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बहुत बड़ी हल्क मार उसको, मार बहुत बढ़िया, और मार और मार। ये ले। अबे पिती तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। अरे ये क्या हो गया मुझे, अबे ये क्या कर दिया, अबे हल्की गर्दन इतनी लंबी कैसे हो गई, अबे ये क्या कर दिया इसने। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं काली शक्तियों का राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को खत्म कर सकता हूँ। अबे भाई देखो तो सर इसकी कितनी ज्यादा लंबी गर्दन हो चुकी है। अरे मुझे बचा लो, इसने मेरे साथ क्या कर दिया। तुम सब विद्यों के लिए तो मेरे गुलाम ही काफी है, तुम जब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके एवेंजर्स। अरे गाइस यार वो देखो भाई सामने से क्या आ रहा है, भाई ये इतने सारे गुड्डे कहाँ से आ रहे हैं। अरे फेंके मुझे गुड्डे चाहिए, कहें कहें। अबे साले वो डरावने वाले गुड्डे भाई कैसे चल के आ रहे हैं, अबे अपन को यहाँ से फटाफट से निकलना पड़ेगा, अबे मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही, अबे मेरे पास क्यों आ रहे, हटो ना यहाँ से, अबे हट जा यहाँ से, अबे हट साले, अबे हट ना, मेरे अंदर क्यों आ रहा है, अबे हट जा यहाँ से, अबे सबको लात मार मार के भगाना पड़ेगा। रुको मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, देखो यहाँ पे मैं हूँ, फटाफट से यहाँ पे एक बॉम्ब लगा दो, एक और बॉम्ब लगा देता हूँ, आ जाओ फटाफट से आ जाओ, ये लो यहाँ से भागते हो रही बूम। अरे भाई साहब इन सबको तो मैंने उड़ा दिया, बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे रुको मैं गाड़ी का इंतजाम करता हूँ, फटाफट से मेरे साथ बैठो, अपन यहाँ से निकलते हैं। भागो कहाँ तक भागोगी, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे बेकी भी अपन अब क्या करेंगे, अबे मुझे क्या पता आयरन मैन तू बता ना। अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे सारे के सारे सर्वर्स फूट चुके हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अबे यार कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, पहले एक काम करते हैं एवेंजर्स हाउस चलते हैं और ये हल्क को भी ठीक करते हैं। अरे मुझे आइडिया मिल गया, अरे आयरन मैन मेरी बात सुन। अरे क्या आइडिया मिल गया, बताओ। अरे सुन तूने बीच में एक मशीन भी बनाई थी जो यार बहुत सारे लोगों को मिला देती थी और एक नया क्रिएचर बनाती थी। अरे आप बनाई तो थी पर उसका क्या। अरे तो मतलब उसको यूज करते ना और सबको मिला के एक नया एवेंजर बनाते और फिर उससे चल के लड़ते, फिर अपन लड़ पाएंगे। अरे बात तो तुम्हारी सही है पर वो मशीन तो मैंने अपने दोस्त को दे दी। अबे कौन से दोस्त को दे दी। अरे वो मेरा दोस्त है यार, वो कपड़े धोता है, मैंने उसको दे दी, वो उसमें अब कपड़े धोता है। क्या अबे तुम मुझको उसका एड्रेस दे, मैं फटाफट से मशीन लेके आता हूँ। अरे ठीक है तुम्हें एड्रेस देता हूँ, तुम फटाफट से लेके आओ और मैं बाकी की तैयारी करके रखता हूँ उस मशीन को चलाने की। अच्छा ठीक है तू तैयारी कर, मैं जाता हूँ फटाफट से उस मशीन को लेके आता हूँ। अरे पेकी प्यार बीच में हमें वो मिल गया तो क्या होगा। अबे शिनचैन देखना पड़ेगा, वो मशीन तो कैसे भी करके लानी पड़ेगी वरना पूरे के पूरे लॉस सैंटोस का बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। तो गाइस यार अभी चलते हैं फटाफट से उस मशीन को लेने। तो गाइस यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। और यहाँ पे आ चुके टोनी, जो हमने उसने मुझे यार वो दिया था एड्रेस। और ये क्या जगह, यहाँ पे तो पूरा का पूरा भंगार हो रखा है, मुझे लगता है यही होगा, इससे पूछता हूँ। अरे सुनो तुम ही आयरन मैन के दोस्त हो क्या। जी हाँ मैं ही दोस्त हूँ,
बोलो क्या काम है? अरे टोनी स्टार्क ने जो तुम्हें एक मशीन दी थी ना कपड़े धोने के लिए, वो कहाँ पे? अरे कौन सी मशीन? अरे कपड़े धोने के लिए नहीं दी थी क्या? अब यार इसको कुछ याद भी है? अरे हाँ हाँ याद आया, अरे पड़ी होगी कहीं कबाड़े में, देख लो जाके। अबे कौन सा कबाड़ा, कहाँ है कबाड़ा? अरे बेटा तुम कौन हो? अरे अंकल मशीन बताओ ना कहाँ पे। कौन सी मशीन? अबे ये क्या आदमी है भाई, को कुछ पता ही नहीं है क्या भाई, नींद में चल रहा है। अबे हटो यहाँ से साले के साले, यहाँ पे मुझे बड़ी बड़ी मशीन ढूंढनी पड़ेगी। देखते हैं इनका घर यहीं पे कहीं पे था, पूरा का पूरा कबाड़ा बन चुका है, पर उस मशीन को कैसे भी करके ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक रूम है फटाफट से, यहाँ पे देख लेते। अरे भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा रूम खाली, बस लोग लेटे पड़े कहीं ना कहीं। अभी फटाफट से उस मशीन को ढूंढते शिनचैन, और कहीं पे जाके ढूंढना। अबे यार वो मशीन कहाँ पे, यहाँ पे यार कितनी ज्यादा बदबू आ रही है, और ये स्विमिंग पूल कैसा स्विमिंग पूल है। एक सेकंड, ये क्या है इसमें? अबे ये तो वही मशीन लग रही है मुझे। अरे भाई इसकी क्या हालत कर रखी है, तो वही मशीन है। अबे ये कहाँ कचरे में फेंक रही है, अबे कितनी ज्यादा बदबू हो गई शिनचैन। अरे फेंकी मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, आप संभाल लो। अरे भाई शिनचैन रुक यार, इसको अपन को लेके चलना पड़ेगा। रुक जाए, मैं कोई गाड़ी लेके आया था उसको लेने के लिए। अरे फेंकी भी आते रहो पीछे आते रहो। अरे शिनचैन बताइयो। अरे यहाँ फेंकी भी आते रहो बस अभी फटाफट से मशीन के ऊपर ले लो। अरे हाँ लेता हूँ। तो गाइस यार अभी हमने मशीन को ऊपर रख लिया है। अरे फेंकी भी इधर पीछे तो बहुत ही बदबू आ रही है। अबे शिनचैन बस यार पहुंच जाएंगे तो थोड़ी देर, बस रुक जा। तो गाइस यार इसको फटाफट से लेके चलते आयरन मैन के घर पे, और फटाफट से इसको यूज करते हैं। और भाई साहब ये इसके यार यहाँ पे जो गुड्डे थे सारे के सारे रोड पे आ चुके हैं भाई। मुझे लगता है ये लॉस एंड्रोस में धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं, और यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा आ चुके हैं। अभी फटाफट से इसको लेके चलते अंदर। तो अभी हम जल्दी से यहाँ पे गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं, इस मशीन को लेके चलते अंदर, और इससे बनाते हैं एक नया एवेंजर। ये मशीन अभी आपको बताता हूँ कैसे काम करती है, मैंने बहुत ही बार इसको देखा है यूज करते हुए। तो अभी फटाफट से इसको मैं अंदर ले चलता हूँ। अरे ये क्या हालत कर दी तुमने इसकी? अबे साले मैंने तो ना कि जिसको तूने मशीन दी थी ना उसने कचरे में फेंक रखी थी, वो भी स्विमिंग पूल के अंदर, मैं निकाल के लाया हूँ एक तो। अच्छा ठीक है, मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ। अरे कोशिश नहीं, पक्का चला ही दियो। अरे हाँ तुम टेंशन मत ले, रुको अभी चला देता हूँ उसको। बस ये चालू होने वाली है, दूर हो जाओ। हाँ हम तो दूर ही है, तू दूर हो जा। अरे यार तुम टेंशन मत लो, तुम ठीक हो जाओगे। अरे मुझे ठीक कर दो, अरे मशीन चल गई। अरे फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, तुम चारों को इसके अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो हल्के अंदर पावर है, कैप्टन अमेरिका के पास सूट है, और तुम में दिमाग है। अरे मेरे पास क्या है? अरे मैं मशीन को स्टार्ट कर रहा हूँ। 3, 2, 1 गो। अबे ये क्या हो रहा है? अबे ये चिपक क्यों रहा है मेरे अंदर? अबे हट, अबे कहाँ धुएं में आ गया? अरे मेरा एक्सपेरिमेंट काम कर गया। अरे कौन सा एक्सपेरिमेंट? अरे तुम आखिरकार बन गए। क्या बन गया? उरे भाई साहब ये क्या हो गया? उरे भाई मैं कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा हूँ। अरे अब तुम जाओ और उस वेनम के बच्चे को हरा दो, पता नहीं क्या चीज है वो। अरे हाँ तू टेंशन मत ले, मैं अभी के भी हरा के आता हूँ। कैप्टन अमेरिका की शील्ड, हल्की पावर, मेरा दिमाग आ चुका है एक ही अंदर। अरे फेकी भाई मेरे में क्या है वो तो बता दो। अबे शिनचैन कुछ तो होगा यार तेरे में, पता नहीं। अरे फेकी भी ये ना बेसिक करती है, मेरे में दिमाग ये नहीं है, बोलो ना यार। अरे हाँ तेरे में दिमाग है। तो गाइस यार अभी हम आ चुके हैं उससे लड़ने, और सामने मुझे वो दिख रहा है अभी तक उस नदी के किनारे खड़ा है। अभी मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला साले, काले काले वेनम कितना ज्यादा बड़ा है, पर ये भाई कितना खतरनाक है, पर मैं भी बहुत ही खतरनाक हूँ। अभी अभी तो मैं बन के आया हूँ, अब इसको बिल्कुल भी छोड़ने वाला। ये ले मजा आया ना, गिर गया ना एक ही पंच में इसको। गिर अबे तो खड़ा हो गया। ये गेले अबे ये कहाँ गया? तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। अबे बार बार खड़ा कैसे हो जा रहा है, पगला है क्या ये? अरे वेकी में मुझे लगता है हमें अपने चारों को मिलके पूरा का पूरा दम लगाना पड़ेगा, तभी हम इसको मार पाएंगे। अच्छा शिनचैन तो फिर तैयार हो जा, अपन इसको पूरे दम से मारने वाले। अच्छा ठीक है मैं भी तैयार हूँ, अब इसकी चटनी बना दूंगा। इसने मेरी गर्दन खींच के बड़ी करी थी, अब मैं इसको पूरा खत्म कर दूंगा। तो तैयार हो ना कैप्टन अमेरिका, शिनचैन हल्क तैयार हो जाओ, अब अपन इनके ऊपर अटैक करने वाले हैं, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। 3, 2, 1 अभी फटाफट से उड़ते हैं और इसकी पूंछ पर अटैक करते हैं, क्योंकि हमें पता चला है इसकी पूंछ सबसे ज्यादा कमजोर है। तो फटाफट से उड़ते हैं। ये ले एरी पेकी पे एक और बार। अरे ठीक है ये ले एरी पेकी पे एक और बार। अबे ये तो गायब हो गया। एरी पेकी पे लगता है हमने इसको खत्म कर दिया। क्या सही में अभी खत्म भी हो गया क्या? एरी पेकी पे खत्म हो गया। अरे यहाँ खत्म हो गया। अबे कहाँ खत्म हो गया, तो यहीं पे ही है। इसको मैं बिल्कुल भी छोड़ूंगा, बार बार जिंदा हो रहा है। ये ले इसकी मेरे मेन पूर की पूरी पूछ पे मार दी, और ये एक ही बार में गिर चुका है। अब मुझे लगता है ये खत्म हो चुका है। और आखिरकार एक सेकंड,
ये क्या, अब वो जैसे ही मरा उसमें से एक सुअर, एक हिरन और एक गाय निकली। भाई के तीनों कंबाइन होकर कुछ निकला था, और वो वेनम का बच्चा कहाँ भाग गया? मुझे लगता है वो कहीं भाग गया। एनीवे की बात, कोई बात नहीं, अपन ने उसको हरा तो दिया। अरे यहाँ सही बात है, हरा तो दिया ही है। तो गाइस यार आज से इतना ही। अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन वहां पे जाकर जरूर फॉलो कर लेना। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।